नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान केदारनाथ के कपाट खुलने की तिथि की घोषणा हो गई है। मंगलवार को महाशिवरात्रि के पर्व पर केदारनाथ के कपाट खुलने की तिथि की घोषणा की गई। ओमकारेश्वर मंदिर उखी मठ में पंचांग गणना अनुसार केदारनाथ धाम के कपाट 6 मई की सुबह 6:25 पर भक्तों के लिए खुलेंगे। केदारनाथ की डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर से 2 मई को रवाना होगी। 3 मई को बाबा की डोली फाटा पहुंचेगी। 4 मई को गौरीकुंड और 5 मई को केदारनाथ में बाबा की डोली रात्रि विश्राम करेगी। इसके साथ ही आज से केदारनाथ यात्रा की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। मंगलवार सुबह 10 बजे भगवान केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर में रावल भीमा शंकर लिंग मंदिर समिति के पदाधिकारियों, विद्वान आचार्यों और हक हकूकधारियों की मौजूदगी में पंचांग गणना के बाद कपाट खोलने की तारीख की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि हर साल महाशिवरात्रि के पर्व पर भगवान केदारनाथ के कपाट खोलने की तिथि की घोषणा होती है। ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है। तो 3 मई को डोली जो है वो फाटा पहुंचेगी, 4 मई को गौरीकुंड पहुंचेगी बाबा केदारनाथ की डोली, और अब जो ऐलान है वो भी कर दिया गया है कपाट खोलने को लेकर। काशी विश्वनाथ मंदिर में 3 तारीख को अक्षय तृतीया के दिन भगवान शंकर जी गौरीकुंड गौरी माई मंदिर में फाटा में रहेंगे, और 4 तारीख को भगवान केदारनाथ जी गौरी माई मंदिर में रहेंगे, और 5 तारीख को भगवान अपने धाम वैराग्य पीठ हिमालय में पहुंचेंगे, और 6 तारीख प्रातः काल में भगवान श्री केदारेश्वर जी का सभी भक्तों के लिए जो कपाट खुलेगा वह 6:25 में खोला जाएगा। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित कर दी गई है। 6 मई को सुबह 6:25 पर कपाट खोले जाएंगे। ओमकारेश्वर मंदिर से 2 मई को रवाना होगी बाबा की डोली। ओमकारेश्वर मंदिर है केदारनाथ का शीतकालीन गद्दी स्थल। 3 मई को बाबा केदार की डोली फाटा पहुंचेगी। 4 मई को गौरीकुंड पहुंचेगी बाबा केदारनाथ की डोली, और 5 मई को केदारनाथ में रात्रि विश्राम डोली करेगी। तो आपको बता दें कि अब जो कपाट खुलने की तिथि है उसका ऐलान कर दिया गया है। केदारनाथ धाम के बारे में जानकारी आपको दे रहे हैं। केदारनाथ धाम यात्रा में अहम स्थान जो है उसके बारे में बताएंगे। बिना केदारनाथ के बद्रीनाथ यात्रा का फल नहीं मिलता है, ये जानकारी है। और इसके अलावा उत्तराखंड के सबसे विशाल शिव मंदिर भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग त्रिकोण आकार का है। ज्योतिर्लिंग केदार पर्वत पर स्थित है। मंदिर मंदाकिनी नदी के किनारे बना हुआ है। समुद्र तल से 11,750 फीट ऊंचा और पांडवों के समय से है ये मंदिर जो है यहाँ पर है। और मौजूदा मंदिर 8वीं सदी का है। आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर की स्थापना की थी। मंदिर 6 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना हुआ है। पत्थरों के शिलाखंडों को जोड़कर इस मंदिर को बनाया गया है। केदारनाथ मंदिर के बाहर नंदी बैल की मूर्ति मौजूद है। केदारनाथ मंदिर के मुख्य भाग में है मंडप। गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा पथ है। केदारनाथ के पीछे क्या है इसकी कथा के बारे में भी आपको बताते हैं। आपको बता दें कि महाभारत में युद्ध जीतने पर पांडवों ने पूजा की, परिवार वालों की हत्या से मुक्ति के लिए पूजा की थी। पांडवों ने भगवान शिव की आराधना की। पांडवों को आशीर्वाद नहीं देना चाहते थे शिव जी। पांडवों के पहुंचने पर शिव ने बैल का रूप धारण कर लिया था और भीम पर पैर पड़ने की कोशिश उन्होंने की थी। भीम ने जो है पैर पड़ने की कोशिश की थी। बैल के रूप में शिव अंतर ध्यान हो गए थे। नेपाल के पुष्पतिनाथ में बैल के सिर की पूजा, केदारनाथ में पृष्ठ भाग का पूजा होती है। तो आपको बता दें कि केदारनाथ धाम के कपाट की जो तिथि है उसका ऐलान कर दिया गया है।
खटीमा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूक्रेन में फंसे सभी उत्तराखंड के छात्रों के परिजनों से मुलाकात की। सीएम ने परिजनों के माध्यम से यूक्रेन में फंसे उनके बच्चों से बातचीत की और उन्हें जल्द भारत लाने का भी आश्वासन सीएम ने दिया है। तो कई सारे भारतीय छात्र जो हैं वो यूक्रेन में फंसे हैं, उत्तराखंड के भी कई सारे छात्र वहाँ पर फंसे हैं, और इस दौरान जो सीएम है उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने उन छात्रों के घर पर जाकर उनके माता पिता के सामने वीडियो कॉल पर छात्रों से बात की और उनके जो परिवार वाले हैं उनको ठाठस बताया, उनको कहा कि उनके बच्चों को जल्द से जल्द सरकार वापस लेके आएगी। हमारा सबका प्रयास है कि जल्दी से जल्दी हमारे सभी बच्चे सकुशल वापस आ जाएं। उसके लिए हम लगातार विदेश मंत्रालय के और भारत सरकार के संपर्क में हैं। हमारा दिल्ली का स्थानीय आयुक्त कार्यालय भी काम कर रहा है, हमारे नोडल अधिकारी भी काम कर रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं वहां पर सभी मंत्रियों की अभी अलग अलग ड्यूटियां मतलब निर्धारित की हैं, सभी के दायित्व निर्धारित किए हैं, जो वहां से जाकर सब बच्चों को लाने का काम कर रहे हैं। और हमारे इस क्षेत्र के भी, पूरे उत्तराखंड के भी जितने भी बच्चे वहां पर हैं, हम लगातार कोशिश में हैं कि जल्दी से जल्दी वो सीमावर्ती जो उनके आसपास के जो अन्य देशों के जो बॉर्डर पड़ते हैं उन बॉर्डरों पर आ जाएं और वहां से उनकी सब व्यवस्थाएं लिफ्टिंग की हो रही है। क्या करें, पहले बहुत परेशान थे, आज इन लोगों की वजह से बहुत खुशी है, मेरे को बहुत खुशी है। मेरा पोता है वो दूता, और बहुत खुशी है मेरे को आज उसकी वजह, इनकी वजह से आज ये देखने के दिन आए मुझे। पहले तो हम बहुत परेशान थे। इन्होंने वादा किया था वो पूरा किया है और बच्चे वापस आ रहे हैं और बिल्कुल खुश है बच्चे। उनको अभी बीच में बहुत परेशान हो गए थे, लेकिन जब हमारी इंडिया गवर्नमेंट सरकार से उनको हेल्प मिली तो उनको बहुत बहुत खुशी हुई, उनको तसल्ली मिली, हमें तसल्ली मिली, बच्चों को सहायता मिली। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से न्यूज वन इंडिया ने खास बातचीत की। त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि देवभूमि में इस बार साइलेंट वोटिंग हुई है, मतदाताओं ने वोटिंग के बाद अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत का मानना है कि उत्तराखंड में फिर से मोदी मैजिक चला है और महिलाओं ने बंपर मतदान किया है, जिससे बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार राज्य में बनने जा रही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सुदीप जैन ने। राज्य में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 10 मार्च को आने वाले परिणाम से स्थिति साफ हो जाएगी कि आखिर जनता का जनादेश किस ओर है। हमारे साथ उत्तराखंड भाजपा के बड़े चेहरे और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं। चुनाव संपन्न होने के बाद जरा त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से समझते हैं कि इन चुनाव को वो किस तरीके से देखते हैं और जो 2017 जैसा ही करीब करीब मत पड़ा वो किस ओर जा रहा है। सर, विधानसभा चुनाव का अभी तक का हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से आकलन कर रहा है, आपका आकलन सर क्या कहता है, आखिर ये मत प्रतिशत जो एक जैसा रहा ये किस ओर संकेत दे रहा है? इस बार चुनाव में एक बात देखने में आई कि मतदाता मुखर नहीं है, वोट डालने के बाद भी उसने किसको वोट डाला वो जल्दी बता नहीं रहा है। अब इसके दो अर्थ निकाले जा सकते हैं, एक तो मत जो है वो गोपनीय है, तो वो इतना समझदार हो गया है कि वो गोपनीयता भंग नहीं करना चाहता है, और दूसरी बात यह है कि वो बताना नहीं चाहता है। लेकिन चुनाव में एक और चीज जो इस बार देखने में आई वो है कि महिलाओं का मत प्रतिशत बढ़ा है, और महिलाओं का मत प्रतिशत अगर हम उसको बारीकी से जब उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो ये देखने में आ रहा है कि वो मत बीजेपी के पक्ष में जा रहा है। तो सर, इस बार जो भारत उत्तराखंड में हम देखते हैं कि 5-5 साल कांग्रेस और भाजपा को मौका मिला, बीते 20 वर्षों का करीब ऐसा ही इतिहास है, तो क्या माना जाए इस बार इतिहास जो या ये मिथक है टूटने जा रहा है और इस बार के चुनाव में निर्दलियों विशेषकर बसपा की अहम भूमिका मानी जा रही है, इसे सर आप कैसे देखते हैं? ये बात सही है कि इस बार कुछ निर्दलीय विधायक आने की संभावनाएं, तमाम जो समाचार माध्यम है, मीडिया का जो अपना आकलन है, और एक कहना चाहिए कि एक स्मेल जो है जनता के बीच में से भी आ रही है कि बीएसपी शायद इस बार कुछ सीटें लेगी, निर्दलीय भी शायद 2-3 सीटें लेंगे, तो ऐसा माहौल है जनता में। लेकिन अभी
मैं समझता हूँ कि हम ये कहें कि साहब 10 सीटें आ रही हैं, 7 सीटें आ रही हैं, अभी ये कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि मतदाता खामोश है, मतदाता खामोश है और फसावट लगती है, और जब फसावट होती है तो इसका मतलब होता है कि बहुत नज़दीकी की लड़ाई है, बहुत नज़दीकी की लड़ाई है, और उसमें कुछ भी स्पष्ट कह पाना कठिन है। अब लोग कई बार लगता है कि भैया 10 सीटें फंसी हुई हैं तो 5 भाजपा की हो जाएंगी, 5 दूसरे की हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से प्रयास किए हैं और जिस तरह से प्रदेश में माहौल है, तो भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट सरकार उत्तराखंड में बनेगी। सर, इस बार भी क्या आपको लगता है मोदी वेव का असर था, क्योंकि मोदी जी की रैलियों के बाद जो महिलाओं के वोट आपने जैसा कि बताया बढ़ के पड़े हैं, उसमें राशन भी एक मुद्दा है और कोविड में जो मदद मिली वो भी एक मुद्दा है, तो क्या माना जाए जो एम फैक्टर है मोदी और दूसरा एम फैक्टर महिला, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को स्ट्रेंथन कर रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो ये जिसको आप एम फैक्टर कह रहे हैं, मोदी फैक्टर कह रहे हैं, निश्चित रूप से उसका व्यापक असर है। जो मतदाता हैं और विशेषकर जो महिलाएं हैं, महिलाएं ये बहुत अच्छी तरह समझती हैं कि प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के कल्याण के लिए जो योजनाएं चलाई, उनके कष्ट दूर करने के लिए, चाहे शौचालय की समस्या रही होगी या फिर गैस कनेक्शन की रही होगी या फिर विद्युत कनेक्शन का रहा होगा, संकट काल में राशन की उपलब्धि का रहा होगा, या जो गर्भवती महिलाएं उनके लिए मातृ छाया जैसी योजना चलाना, उनके जो उनके अकाउंट में पैसा सीधा डालना, ये बहुत ही संवेदनशील माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्णय थे। तो मोदी फैक्टर तो निश्चित रूप से इलेक्शन का मुद्दा रहेगा ही रहेगा, जो भारतीय जनता पार्टी को मजबूती दे रहा है। सर, अंतिम मेरा सवाल, कांग्रेस की जो दिसंबर से पहले स्थिति थी, एक काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस प्रभावी है और चुनाव में कुछ कर सकती है, लेकिन चुनाव आते आते एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में भी माहौल नहीं है, तो क्या कांग्रेस उस तरीके से चुनाव को ला नहीं पाई या जनता के बीच जाकर अपनी बात कह नहीं पाई? नहीं, देखिए, कांग्रेस में जिस तरह की आपसी लड़ाई है, जिस तरह की जंग है, तो कांग्रेस को ऐसे में जनता पहले तो ही देखती है, तुम हमसे एक तरफा मतदान के लिए बात कर रहे हो या कह रहे हो कि हम सरकार में आ रहे हैं, पहले आप लोग तो एक हो जाइए। वो एक जो बहुत बड़ा कमजोर पक्ष है कांग्रेस का, वो चुनाव में साफ साफ नजर आया है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है, बूथ लेवल से लेकर के प्रदेश स्तर तक जो संगठन भारतीय जनता पार्टी का है वो बहुत मजबूत स्थिति में है, और ये मजबूत संगठन ही भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाएगा। तो ये थे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जिनका कहना है कि विधानसभा चुनाव में 2 M फैक्टर यानी महिला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो इमेज है और विशेषकर कोविड कार्यकाल में जो काम किए, लोगों को राहत दी, उससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को वोटों के रूप में एक बड़ी मदद मिली है। हालांकि चुनाव में जो मतदान हुआ इसका बड़ा प्रतिशत का जो साइलेंट वोटर है उसको भी तत्काल तौर पर समझ पाना थोड़ी जल्दबाजी होगी। कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज 1 इंडिया, देहरादून। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पौड़ी गढ़वाल से लोकसभा सांसद तीरथ सिंह रावत ने न्यूज 1 इंडिया से खास बातचीत की, और इस एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव के परिणामों का असर 2024 में भी होने वाला है। आपको बता दें कि तीरथ सिंह रावत ने कहा कि महिला मतदाताओं ने विशेषकर प्रधानमंत्री मोदी और मुफ्त में मिले राशन को प्राथमिकता दी है। तीरथ सिंह रावत ने यह भी साफ कहा कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत पर अपने दम पर सरकार बनाने जा रही है। राज्य में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और तमाम व्यस्तताओं के बाद जो नेता बड़े चेहरे हैं पार्टियों के, वो अपने अपने स्तर से आकलन कर रहे हैं। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री व सांसद पौड़ी गढ़वाल तीरथ सिंह रावत जी हैं। रावत जी से समझते हैं कि सर, चुनाव संपन्न हो चुके हैं, हालांकि परिणामों का इंतजार है, सर इस मतदान को आप कैसे देखते हैं? करीब करीब 2017 जैसा ही मतदान हुआ है। देखिए, मतदान का परिणाम रिजल्ट 10 को आ जाएगा, कोई ज़्यादा दिन नहीं रह गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा और 2/3 बहुमत से भी अधिक सीटें हम लोग लेके आएंगे। उसका एक कारण है कि जनता ने विकास को
पहला इशू माना है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने चौमुखी विकास इस उत्तराखंड का किया है, साथ में प्रदेश सरकार ने भी इस प्रदेश का हर तरह से जो भी बजट और फंडिंग केंद्र से आया उसको समय अनुसार जनता तक पहुंचाने का काम किया है और नया आयाम भी दिए हैं प्रदेश ने और केंद्र ने। तो मुझे लगता है कि उसको लेकर के हम आश्वस्त हैं कि जनता ने बाकी चीज़ों को दरकिनार करते हुए केवल विकास और मोदी जी को विशेषकर जिस तरह लोगों ने दिलों में हृदय में बिठाया है और हर घर को राशन देने का काम गरीब कल्याण योजना के तहत, स्वास्थ्य के दृष्टि से भी जो 5 लाख आयुष्मान योजना के तहत इलाज कराने का काम दिया और स्वच्छता शौचालय ये सारे चीज़ें, तो ये जनता ने इसको प्राथमिकता दी है। सर क्या इन चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी जैसा कोई फैक्टर नहीं था, 3-3 मुख्यमंत्रियों को बदले जाने का क्या कोई मुद्दा नहीं था? देखिए ये इशू औरों के लिए हो सकता है लेकिन जनता के लिए कोई इशू नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी जो विपक्ष है वो भले कुछ भी कहे लेकिन जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है। जनता चाहती है विकास, आखिर उस घर में 2 जून की रोटी ठीक से खा सकें और उसका विकास हो, उसके क्षेत्र का, उसके प्रदेश का, ये प्राथमिकता जनता ने दिया है। और जहाँ तक बात है मुख्यमंत्री, मैं कहता हूँ कि ये सरकार अपनी एक है, अपना परिवार का कोई भी दायित्व किसी को मिला, ये दायित्व है हमारे यहाँ और उस दायित्व को मैं सोचता हूँ कि पूरी तरह प्रदेश के हित में और देश हित में, क्षेत्र हित में ये एक आगे व्यवस्था को देखते हुआ है। और मैं सोचता हूँ कि जो वर्तमान में मुख्यमंत्री पुष्कर जी है बहुत अच्छा काम किए हैं और प्रदेश के अंदर एक अच्छा मैं सोचता हूँ कि विकास को आगे बढ़ाया है और वही एक जनता देख रही है। सर अभी रिजल्ट तो नहीं आया लेकिन कांग्रेस में उत्सवों का दौर शुरू हो गया, हरीश रावत जी उत्सव दे रहे हैं, अलग अलग नेता बैठ के कर रहे हैं, क्या कांग्रेस बहुत अस्वस्थ है इस मत प्रतिशत को देखते हुए या उसे कोई गलतफहमी है क्योंकि अभी मतदान के बाद अभी परिणामों का तो समय बाकी है? देखिए अति उत्साह भी ठीक नहीं है और मैं सोचता हूँ कि कांग्रेस गलतफहमी में है। यदि कांग्रेस को जनता ने स्वीकृति देनी होती तो पिछली बार भी देती, वो 11 पे नहीं आते और उस बार तो उन पर सत्ता थी, कितना काम उन्होंने किया था, कितनी घोषणाएं किया थी, घोषणा अंबार लगाया था और लेकिन उसके बाद भी जनता ने दरकिनार कर दिया था क्योंकि उनके सामने भ्रष्टाचार और झूठे वादे ये सब जो उन्होंने रखा था। तो आज जनता होशियार है और जनता हर बात को समझती है और उत्तराखंड की जनता हर घर में साक्षरता हमारे यहाँ जो नंबर वन और वो जानती है और दूसरा है कि यहाँ हर घर में सैनिक है, राष्ट्र से जुड़ा है, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है। तो ये सब चीज़ों को लेते हुए वो आने वाला समय है, ये जानती है कि इस प्रदेश का भला किसने करना है। तो ये भला करेगा मोदी जी के हाथों में है, ये भाजपा ही कर सकती है, ये वो जानती है और देखा है और उसी को लेकर मैं कह सकता हूँ कि वो जैसे पिछला चुनाव में दरकिनार किया कांग्रेस को तो इस समय भी वो कहीं दूर दूर तक नहीं है और आज तो पूरे देश के अंदर सफाया हो रहा है कांग्रेस का, तो किस उससे करे हमारी समझ में नहीं आता। यहाँ तो लोग विकास के नाम पर वोट दे रहे हैं और विकास मोदी जी ने किया है, हमारी प्रदेश सरकार ने किया, पुष्कर जानवी जी के नेतृत्व में किया है। 2022 के बाद 2024 की तैयारी होगी लोकसभा की, आप सांसद भी हैं पौड़ी के, सर इन चुनाव का जो परिणाम होगा 2024 के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण होगा, इसे आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि ये चुनाव अपने आप में महत्वपूर्ण है, इसलिए है कि प्रदेश का विकास सरकार के रहते हुए होना है और जो सरकार बनेगी उसको 5 साल इस प्रदेश का विकास करना है, जनता का हित देखना है और उसी को देखते हुए निश्चित है कि 24 के अंदर भी फिर चुनाव होगा। तो 24 का चुनाव में भी जिस तरह मोदी जी ने, मैंने कहा कि पूरे देश का ही नहीं तो उत्तराखंड का तो विशेष चिंता जो उन्होंने किया है और हर घर में राशन, शौचालय, आपका पानी घर में, हर घर में देना, ये सारी चीज़ें तो किया है तो लोग इसको याद रख रहे हैं। तो 24 में निश्चित है कि हम लोग भारी बहुमत से जीत के आएंगे और फिर पुनः मोदी जी के नेतृत्व में 5ों सीटें और प्रदेश के जो नेतृत्व होगा उसमें लेकर हम लोग जीतेंगे।
तो ये थे पूर्व मुख्यमंत्री व पौड़ी लोकसभा सीट से सांसद तीरथ सिंह रावत जी, जिनका कहना है कि बहुमत से उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है और निर्दल या बसपा जैसे दलों की मदद की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज वन इंडिया, देहरादून। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के बीच वहां फंसी नैनीताल की दो छात्राएं अपने घर पहुंच गई हैं, जिसमें पूर्व विधायक डॉक्टर नारायण सिंह जंतवाल और प्रेम सिंह विष्ट की बेटी भी शामिल है। प्रेरणा विष्ट और उर्वशी की वापसी से उनका बहुत स्वागत हुआ है और परिवार के जो लोग हैं वो बेहद खुश नजर आए। हालांकि एक नगर की जो छात्रा आयुषी जोशी है वो अभी भी वहां पर फंसी हुई है। वहीं नैनीताल पहुंचे प्रेरणा विष्ट ने बताया कि वहां की स्थिति काफी भयावह है और जो लोग हैं वो बंकर और मेट्रो के अंदर फंसे हुए हैं। बेसमेंट ग्राउंड में लोग यहां पर वहां पर छुपे हुए हैं। उन्होंने कहा कि लगातार बॉम्ब की आवाज वहां पर लोगों को परेशान कर रही है और इसके अलावा हमें सुरक्षित घर तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार का आभार उन्होंने व्यक्त किया है। तो नैनीताल की दो छात्राएं अपने घर वापस आ गई हैं। हमें तो पता ही नहीं चला था कि रात को शुरू हुई थी बॉम्बिंग और फिर घर से कॉल्स आई पेरेंट्स की कि क्या हो रहा है वहाँ पे और क्या नहीं हो रहा है। तो फिर हमने तब चेक किया, फिर थोड़ी देर में पता चला कि हमारे सिटी में जो एयरफोर्स का जो बेस कैंप था वहाँ पे बॉम्बिंग हुई है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें। हमसे ये बोला गया कि अपने फ्लैट्स के अंदर रहो, तुम लोग जहाँ पर हो वहीं पर रहो, अपने पास राशन भर के रख लो एक हफ्ते का। तो हम बस वही कर रहे थे, हम अपने फ्रेंड्स से कांटेक्ट कर रहे थे कि सब लोग सेफ है या नहीं है। बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि हमारी बच्ची जो है बिल्कुल सुरक्षित घर वापस आ गई है। बहुत अच्छा लग रहा है हमें। हर समय हम डरे हुए रहते थे कि पता नहीं किस हाल में होगी, उसने खाया होगा या नहीं खाया होगा, आराम से सो रही है या नहीं सो रही है। बहुत रातें वो लोग सोए नहीं है वहाँ पे हर डर के वजह से, और अभी हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि वो सुरक्षित घर आ। नैनीताल पुलिस और वन विभाग की टीम ने कालाडूंगी क्षेत्र के जंगल में अवैध हथियारों की फैक्ट्री को पकड़ा है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि अवैध हथियार की फैक्ट्री चला रहे दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही एक तस्कर जो इनका साथी था वो फरार हो गया है, उसकी तलाश लगातार जारी है। पुलिस ने 3 तमंचे के साथ ही हथियार बनाने का सामान भी बरामद किया है। पकड़े गए तस्कर उधम सिंह नगर के गदरपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस अब तस्करों से पूछताछ में जुटी हुई है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन्होंने कहाँ कहाँ पर हथियारों को सप्लाई किया था। तो दो तस्कर गिरफ्तार हो गए हैं और एक फरार है जिसकी पुलिस लगातार तलाश कर रही है। ये बरेली रेंज में कल पुलिस और फॉरेस्ट के विभाग का एक कम्बाइंड अभियान चला। इसमें जो है आपका कच्ची शराब की सूचना प्राप्त हुई थी। जब पुलिस और फॉरेस्ट की टीम मौके पे पहुंची तो 3 व्यक्ति वहां पे अवैध असलाह बनाते हुए पुलिस और फॉरेस्ट की टीम द्वारा पकड़े गए। इनमें से गुरमीत और अमरजीत दोनों से 2 तमंचे बरामद हुए और तीसरा राजेंद्र और राजू वो फरार हो गया। एक अर्धनिर्मित हथियार प्राप्त हुआ। इसके अलावा जो निर्माण सामग्री है, जो 315 बोर के तमंचे बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री है, वो पूरी बरामद की गई है। इस पे इस सराहनीय कार्य के लिए मेरे द्वारा 5,000 रुपये का नगद। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।